जोधपुर के लूनी से खबर। दुधिया मानव रहित फाटक अधिकतम बंद रहने को लेकर ग्रामीण बैठे धरने पर। फाटक पर स्थायी कर्मचारी लगाने की कर रहे हैं मांग। ट्रैफिक अधिक होने पर खोली जाती है फाटक। अधिकतम फाटक बंद रहने से घंटों फाटक के खुलने का करना पड़ता है इंतजार। अधिकतम बंद रहने से ग्रामीणों को हो रही भारी परेशानी। वहीं इस समस्या को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता दीपक बामनिया ने डीआरएम से की बात। ग्रामीणों का धरना अभी भी जारी। स्टेशन मास्टर दूधिया को रेलवे भारत सरकार को मार्फत जोधपुर रेलवे डीआरएम को दिया गया ज्ञापन, बाद धरना समाप्त किया गया। आज जोधपुर जिले के लूनी क्षेत्र के दूधिया गांव रेलवे फाटक पर ग्रामीणों का धरना दिया गया है, जिसमें ग्रामीणों की मांग रही कि पिछले 2 साल से फाटक पर स्थायी रूप से कर्मचारी नहीं है। कई बार अवगत कराया लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो ग्रामीण समस्त ग्रामीण आज पहुंचे यहां पर और धरना दिया है। उसके साथ ही डीआरएम से फ़ोन पर वार्ता की है और उन्होंने बताया कि आप शिकायत स्टेशन मास्टर को दे दीजिए, जल्द समस्या का समाधान किया जाएगा और आज से परमानेंट कर्मचारी लगाया जाएगा। दीपक बामनिया, सामाजिक कार्यकर्ता। धन्यवाद।